अविनाश जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, बाजार काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तेजी लगातार कायम है, FIIs की खरीदारी भी हमने देखी होते हुए, क्या यहाँ पर अभी आपकी राय रहेगी बाजार पर, क्या ये कॉन्फिडेंस बाजार जारी रख पाएगा? साथी, मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक जो भी नेगेटिव्स है वो मोटा मोटी ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुके हैं। देखिए, अभी जो हेडविंड्स है वो ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट से आएंगे। मेरे ख्याल से जो नतीजों का सीजन है वहाँ पे US में, वो जब अक्टूबर में रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद मार्केट्स यहाँ पे थोड़े बहुत रिएक्ट करेंगे। लेकिन डोमेस्टिकली हमको लग रहा है कि डिमांड ऑन ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। आप ऑटो कंपोनेंट्स देख लीजिए, ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, गारमेंट्स, उसके बाद ज्वेलरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ पे उम्मीद से कहीं ज्यादा डिमांड हमको ग्राउंड लेवल पे दिख रही है। और इसका सारा जो इम्पैक्ट आएगा वो आपको आने वाले नतीजों के सीजन में देखने को मिलेगा। तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स, जैसे अनिल जी ने कहा कि आउटसाइड ब्रॉड मार्केट की तरफ ज्यादा देख रही है, जो छोटे मछोले कंपनीज है, मिड कैप कंपनीज है, वहां पे हमको लग रहा है कि उम्मीद से अगर ज्यादा अच्छे नतीजे आते हैं तो मार्केट्स डेफिनेटली अच्छे खासे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच से चलेगी। इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि मार्केट्स वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि हम 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे इस तरीके का मार्केट रोज एक दो दिन से देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए, वहीं पे आपको ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। स्वाति, आज जो स्टॉक हमने चुना है वो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर का एक प्रोमिनेंट प्लेयर है और कंपनी का नाम है मिंडा कॉर्पोरेशन। ये कंपनी बेसिकली दिल्ली बेस्ड स्पार्क मिंडा की फ्लैगशिप कंपनी है और ये कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट ये काफी ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि इग्निशन सिस्टम्स है, उसके बाद स्टीयरिंग लॉक्स है, फिर डाई प्रेशर कास्टिंग्स बनाते हैं, वायर हार्नेस बनाते हैं, सेंसर्स, जंक्शन बॉक्सेस, काफी बड़ी इनकी प्रोडक्ट प्रोफाइल है। काफी बड़े प्लांट्स और फैसिलिटीज नॉट ओनली इंडिया लेकिन ग्लोबली भी लोकेटेड है। तो इनका सबसे बड़ा जो कस्टमर सेगमेंट है वो टू व्हीलर सेगमेंट है, उसके बाद कमर्शियल व्हीकल है, पैसेंजर कार है, आफ्टर मार्केट में भी ये काफी बड़े प्लेयर है। इनके काफी बड़े कस्टमर्स है, जैसे कि बजाज ऑटो है, अशोक लेलैंड है, महिंद्रा है, मारुति है। तो कंपनी काफी वेल पोजिशन है। पिछले साल 22 दैट इज FY22 के लिए इन्होंने करीबन 2975 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद करीबन 160 करोड़ का मुनाफा कमाया था। हमारा मानना है कि जिस प्रकार की अभी ऑर्डर बुक है, करीबन 5900 करोड़ की ऑर्डर बुक है और इसमें से कम 2500 करोड़ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्ट्स के लिए इनको ऑर्डर्स मिले, तो बिजनेस बहुत स्ट्रांग चल रहा है। हमारा मानना है कि इस साल कंपनी करीबन 4000 करोड़ का रेवेन्यू कमाएगी और कम से कम 280 करोड़ का प्रॉफिट, और FY24 में ये मोमेंटम जारी रहेगा तब लग रहा है कि FY24 में कम से कम 14-15 रुपए की अर्निंग आएगी। तो साल भर का कोई नजरिया लेता है तो मुझे लग रहा है कि 300 के करीब का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट सेक्टर हमारे हिसाब से आने वाले एक दो सालों के लिए बहुत अच्छी तरह से चलेगा। देखिए स्वाति, मुझे लग रहा है कि वोडाफोन टेलीकॉम सेक्टर में तीसरा ऐसा प्लेयर है जो फिनेंशियली बहुत वीक है। इनफैक्ट ये बात सभी को पता है कि हर क्वार्टर में ये करीबन 5 या 6 हज़ार करोड़ का घाटा रिकॉर्ड करते हैं। मुझे लग रहा है कि जो दूसरी तिमाही भी आएगी वहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। कंपनी अभी भी इस स्टेज में नहीं है कि वो प्रॉफिट दिखाए, और सबसे बड़ी बात इनका कर्जा काफी सिग्निफिकेंट है। हालांकि देखिए, 5G का ट्रिगर है, आपने पूछा वोडाफोन में क्या ट्रिगर है, तो वोडाफोन में 5G का ट्रिगर जरूर प्ले आउट होगा, क्योंकि इन्होंने भी स्पेक्ट्रम खरीदा है। लेकिन अगर इनका नजरिया एकदम बड़ा अपसाइड के लिए तो वो शायद ना हो। तो मुझे लग रहा है कि अगर इनको पकड़ना है तो मेरे ख्याल से एक 8-8.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि ये शेयर बहुत वोलेटाइल है। तो करीबन 11-12 रुपए का अगर प्राइस आता है तो वहां पे उनको निकल जाना चाहिए। बड़ी अपसाइड की उम्मीद ना करें, क्योंकि अगर सेकंड क्वार्टर के नतीजे भी खराब आते हैं तो इस शेयर में और थोड़ी बिकवाली आ सकती है। तो सेकंड क्वार्टर के बाद मेरे ख्याल से सेल ऑन राइस का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगा, तभी उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस शेयर में इंदुजा ग्लोबल ने इनकी एक कंपनी को बेचा था, तो मार्केट में ऐसा अनुमान है, रिपोर्ट है कि शेयर होल्डर्स को काफी अच्छा डिविडेंड आने की उम्मीद है। मेरे ख्याल से देखिए, इस कंपनी में कैश काफी सिग्निफिकेंट है सेल के बाद, और बिजनेस वैसे तो काफी अच्छी तरह से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, नजरिया एक साल का अगर है तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करिए। मेरे ख्याल से सेकंड क्वार्टर के नंबर आएंगे तभी हो सकता है कि मार्केट में कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड पे आउट के बारे में थोड़ी सी कमेंट्री दे, तो तभी ये शेयर चलेगा। तब तक मेरे ख्याल से ये स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा, तो 12-15 मंथ्स के टाइम फ्रेम से ये होल्ड कर सकते हैं। कंपनी का फंडामेंटल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लग रहा है इनको लॉस में इनको बेचना चाहिए। थोड़ा इंतजार करिए और मेरे ख्याल से करीबन 12-15 महीने में आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की अपेक्षा रहेगी। देखिए, बजाज फिनसर्व इंश्योरेंस बिजनेस में भी है, बजाज फाइनेंस इनकी सब्सिडरी है।
मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए हाल ही में बजाज फाइनेंस ने उनका क्वार्टरली अपडेट डिक्लेयर किया था, बहुत ही दमदार नंबर एयूएम पे ऊपर आया है, लोन बुक के ऊपर आ गया है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, और जिस प्रकार की देखिए फेस्टिव बाइंग हम देख रहे हैं अक्रॉस कैटेगरीज, तो इसका फायदा जरूर बजाज फाइनेंस को मिलेगा और उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट बजाज फिनसर्व को भी मिलना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस की भी वैल्यू बजाज फिनसर्व में फैक्टर है। तो अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो होल्ड करिए। देखिए छोटी अवधि के लिए आपको इतना बड़ा अपसाइड ना मिले, लेकिन 1.5-2 साल में अगर ये निवेशित रहते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन यही मैं कहूंगा। नहीं बिल्कुल, देखिए मुझे लग रहा है कि तेजी जो हुई है वो मेरे ख्याल से एक टेक्निकल बाउंस बैक है। फंडामेंटली हमको लग रहा है कि देखिए जब तक मेटल प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ते नहीं है तब तक मार्जिन्स और मुनाफे में इतना ग्रोथ आएगा ऐसा लग नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से 50% तो ये मुनाफा बुक कर सकते हैं, बैलेंस क्वांटिटी यू नो क्वार्टर टू के लिए इंतजार करें। जिस प्रकार की मैनेजमेंट की कॉमेंट्री आएगी और जिस प्रकार के मेटल के प्राइसेस रहेंगे उसके हिसाब से कंपनी का स्टॉक चलेगा, तो मेरे ख्याल से 50% तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अच्छा खासा मुनाफा बन रहा है, बैलेंस 50 क्वांटिटी आप होल्ड करें यही राय रहेगी। देखिए गेल एक मोनोपोली प्लेयर है गैस पाइपलाइन के लिए और गैस के ट्रांसमिशन के लिए गैस के पाइपलाइंस का इनका कंप्लीट मोनोपोली है ऑल ओवर इंडिया, प्लस इनका काफी बड़ा एक्सपोजर गैस सिटी गैस कंपनीज में, जैसे महानगर गैस पे भी इनका बड़ा यू नो इक्विटी स्टेक है। ओवरऑल कंपनी ने बहुत ही दमदार नंबर्स पिछले क्वार्टर में डिक्लेयर किए थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव थी, मुझे लग रहा है कि इनको घबराना नहीं चाहिए, अगर इनका नजरिया 1.5-1.5 साल का है तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है। अभी शेयर एक्सपोनस चल रहा है बट मेरे ख्याल से डेफिनेटली 1.5-1.5 साल अगर ये होल्ड करते हैं तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। नहीं बिल्कुल, देखिए LIC एक ऐसी कंपनी है जो हमको लग रहा है कि कम से कम 1-2 सालों में अच्छा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रहती है, हालांकि IPO के टाइम के बाद काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, IPO के प्राइस से ये शेयर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि वो एवरेज कर सकती है, तो डेफिनेटली एवरेज कर सकती है, लेकिन नज़रिया कम से कम 2 साल के ऊपर का रखिए, क्योंकि ये शेयर इतना जल्दी जाएगा ऊपर ऐसा लग नहीं रहा है। I mean, अगर आपका नज़रिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है 2+ years का तो ही एवरेज करिए, और इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले 1.5-2 सालों में रिस्क रिवॉर्ड आपको काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट शेयर इनका 50% के ऊपर है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, और अभी जैसे कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर्स कमेंट्री या एनालिस्ट कॉल करेगी तो थोड़ा यू नो इसमें मूवमेंट और ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि इसमें होल्ड करें और हो सके तो थोड़ा एवरेज भी करके अपनी पोजिशन ऐड करें। ओके, तो स्टार सीमेंट पर कब तक होल्ड करने की सलाह आप देंगे इनको अविनाश जी? देखिए मुझे लग रहा है कि स्टार सीमेंट बेसिकली ईस्ट इंडिया में काम करता है और काफी अच्छी पोजीशन है इनकी, मेरे ख्याल से इनका बाइंग प्राइस और मार्केट प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं है, अगर ये एक साल भर का नजरिया रखते हैं तो मेरे ख्याल से 130-140 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। कंपनी काफी अच्छी तरह से अपने ऑपरेशंस कर रही है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि क्वार्टर टू में हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर आपको देखने को मिले, क्योंकि काफी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े हैं, सेकंड हाफ जो FY23 का होगा वो काफी अच्छा होगा, तो थोड़ा सा नजरिया बढ़ाइए, कम से कम 8 से 12 महीने अगर आप होल्ड करते हैं तो 130-135 का आपको टारगेट प्राइस मिलने की अपेक्षा रहेगी, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। देखिए मुझे लग रहा है कि पहले तो मैं इनको यही बताऊंगा कि आप लॉस में पोजीशन बुक मत करिए, क्योंकि देखिए कंपनी विप्रो जैसी कंपनी है तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है, इनके काफ़ी अच्छे यू नो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स 5G को लेके हैं, लेकिन नियर टर्म में अगर ये यू नो जो सितंबर का क्वार्टर देखेंगे तो इसमें डेफिनेटली आपको कोई बड़ी अपसाइड प्रॉफिट में दिखेगी नहीं, मार्जिन प्रेशर भी दिखेगा, दिसंबर तक ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्जिन कंटिन्यूसली दबाव में रहेंगे, क्योंकि सारे जो IT प्लेयर्स हैं वो US और यूरोप से ज़्यादा बिजनेस जनरेट करते हैं, तो नजरिया यहाँ पे 12 से 18 महीने का रखिए और होल्ड करिए, हालांकि फ्रेश बाइंग यहां पे मैं नहीं सजेस्ट करूंगा बट इनके पास है तो वो होल्ड करें। साथी हमको फेडरल बैंक पसंद है, करंट लेवल पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो हमको लग रहा है कि 8 से 10 दिन का नजरिया है तो 115 का स्टॉप लॉस रखिए और करीबन 133-132 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी कर सकते हैं। रिजल्ट्स तो काफी अच्छे आएंगे लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस अपडेट आ गया वो बहुत ही बेहतरीन है, तो यहाँ पे एक पोजिशन बनाई जा सकती है। ओके, तो फेडरल बैंक में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह अविनाश।